दिन भगवान देखते हैं नंद बाबा यशोदा मैया किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो देखकर भगवान उनके पास आते हैं। भगवान आकर नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये किस पूजा की तैयारी हो रही है। नंद बाबा कहते कन्हैया हम इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वो प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे, वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। भगवान कहते हैं वर्षा करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये इंद्र भगवान कब से है गया? क्योंकि नंद बाबा ने इंद्र भगवान कहा। भगवान कहते कि इंद्र भगवान कब से है गयो? अरे नंद बाबा कहते कन्हैया तू इंद्र को नहीं जाने। कन्हैया कहते बाबा मैं इंद्र को जानू, इंद्र के इंद्रऊ को जानू, उसके बापऊ को जानू। अरे नंद बाबा कहते कन्हैया कैसी बातें करे? कन्हैया कहते कैसी बातें, मतलब इंद्र का काम है वर्षा करना, उसको काम सौंपा गया है। अब आप पूजा करो नहीं करो उसको वर्षा करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि ऑफिस में बॉस सैलरी देते हैं आपको काम करने की, अब आपको दूसरे से भी पैसे थोड़ी लेने चाहिए, बताइए। सब हंस रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। सैलरी मिल रही है ना ऊपर से, तो बाकियों से नहीं लेनी चाहिए। तो यहां पर भी भगवान क्या करे, इंद्र को सैलरी कौन देते हैं? भगवान। तो भगवान कहते हैं उसको कार्य सौंपा गया है, अब उसके लिए थोड़ी हर व्यक्ति को वो कहेगा मेरी पूजा करो तो ही मैं वर्षा करूंगा, ये तो गलत है। तो भगवान कहते वो काम है उसका, उसको वर्षा करनी पड़ेगी। पूजा करनी है तो उसकी करो जिसका काम वो नहीं है फिर भी वो सहायता करता है। जिसका काम नहीं है फिर भी वो आगे बढ़ के आपकी सहायता करे, उसको आप खुशी से कुछ दे सकते हैं या पूजा करने, यानी सांसारिक रूप में मैं बात कर रही हूँ, बाकी भगवान पूजा की बात कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। आज देखा जाए तो हमारी नजरें पर्वत का क्या काम है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि नहीं, बड़े बड़े पहाड़ हमें तूफानों से बचाते हैं, कई तूफान पहाड़ों से ही रुक जाते हैं। और देखिए आजकल तो अब शहर बन गए हैं, पहले पर्वतों पर पहाड़ों पर भी घर होते थे, तो कितनों को रहने की जगह मिली, पशुओं को रहने की जगह मिली। आजकल ये हम बड़ी बड़ी चीजें फैक्ट्रियां इत्यादि बनने के कारण हरियाली काटी जा रही है, ये बाद में पता चलेगा धीरे धीरे, पता चल ही रहा है आस पड़ोस में आपके, जब हवा में इतनी दिक्कत हो रही वो भी खरीदनी पड़ रही है। सोचिए कैसे, किसी ने सोचा था कि किस दिन हवा पैसे से लेनी पड़ेगी? सांस लेने को ठीक से हवा नहीं मिल रही, तो उनके लिए भी जगहें बनाई गई है जहां पर अच्छे से आप शुद्ध हवा लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरियाली नहीं है, अब जिस जगह से हवा अच्छी आनी चाहिए वो है ही नहीं। तो यहाँ पर उस समय हरियाली पहाड़ों पर बहुत होती थी, उससे औषधियां बनती। भगवान कहते कितनी सहायता हो रही है उससे हमारी, उसकी पूजा करो। नंद बाबा कहते इंद्र नाराज हो गए, तो बोले मैं देख लूंगा। देखिए इतने से बालक पे कितना भरोसा है। नंद बाबा कहते ठीक है, अब सब गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। इंद्र को पता चलता है, इंद्र ने अपने बादलों से कहा जाकर ब्रज में इतना बरसो कि पूरी ब्रज भूमि खत्म हो जाए, भयंकर वर्षा होती है। अब सारे ब्रजवासी राजा के ही पास आएंगे ऐसी स्थिति में, सब दौड़े दौड़े आते बाबा बाबा रक्षा करो। नंद बाबा कहते कन्हैया से, कन्हैया मैंने कहा था ना इंद्र नाराज हो जाएंगे। कन्हैया कहते बाबा मैंने भी कहा था ना मैं संभाल लूंगा। अब देखिए हम छोटे छोटे काम करते उसमें भी हमको अपना नाम चाहिए। यहाँ भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है, लेकिन क्या कहकर अपने मित्रों से कहते अपने अपनी लकड़ियां लेकर आओ, हम सब मिलकर गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। लकड़ियों से आज तक पर्वत उठे हैं, लेकिन ये बस दिखाने को कि उन्होंने अकेले ने कुछ नहीं किया। सब आते हैं ब्रजवासी, सब लकड़ियां लेकर, और भगवान अपने चिटकी उंगली जो सबसे छोटी उंगली होती है उस पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं।